हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल हेल्दी हेल्थ फॉर आवर पे। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही वाइटल ऑर्गन यानी लीवर के बारे में, जो आपको प्रोटेक्ट करता है और बहुत सारी शारीरिक क्रियाओं में आपकी मदद करता है आपको सेहतमंद रखने के लिए। और साथ में हम बात करेंगे कि आप लीवर को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो कौन कौन से भोजन है जो लीवर को प्रोटेक्ट करने में या उसको सेहतमंद रखने में मदद करते हैं, और साथ ही एक ऐसी होम रेमेडी, एक नुस्खा आपको मैं बताऊंगा वीडियो के आखिर में, जो लीवर को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ उसको फेल होने से भी बचाता है और अगर आपका लीवर फंक्शन डीरेंज है तो उसको भी वापस ठीक करके ले आता है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, लीवर जो है हमारी बॉडी का पावर हाउस है, जो दिन रात बिना थके मेहनत करता रहता है आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। और जितना भी आप भोजन करते हैं, जितने भी आप न्यूट्रिशंस लेते हैं, सारे के सारे लीवर में जाके मेटाबलाइज होते हैं और जहां उसकी जरूरत होती है वहां पे उसको भेज दिया जाता है। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि लीवर आपका बिल्कुल ठीक से काम करे और उसकी जो क्लीनिंग है, जो इवन जो लीवर का डिटॉक्सिफिकेशन है वो भी होता रहे। अब अगर देखिए, आपका लीवर साफ नहीं रहेगा, अगर लीवर हेल्दी नहीं रहेगा तो आप भी हेल्दी नहीं रहेंगे। आप इसको देखिए ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपको अपने कमरे की सफाई करनी है। अब अगर आप उस कमरे की सफाई किसी गंदे कपड़े से करते हैं तो क्या कमरा साफ होगा? नहीं होगा, बल्कि गंदगी और बढ़ जाएगी। इसी तरीके से, क्योंकि लीवर जो है ये उसी साफ कपड़े की तरह होना चाहिए आपके शरीर में, कि आपके बॉडी को जब डिटॉक्सिफाई करे तो बॉडी पूरी तरीके से प्योर हो जाए और बीमारियां उसके अंदर ना डेवलप हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऐसे भोजनों के बारे में जो आपके लीवर को डिटॉक्सिफाई करते हैं, उसको क्लीन रखते हैं और उसको हेल्दी बनाने में मदद करते हैं। जो टॉप में लिस्ट में जो नाम आता है वो नंबर वन होता है हरी पत्तेदार सब्जियां। जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, चाहे वो पालक हो, चाहे वो मूली के पत्ते हो, चाहे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के साग हो, सरसों का साग हो, चने का साग हो, तो ऐसी सब्जियां जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता हो, या हरी साग सब्जियां जो है वो लीवर के लिए बेस्ट मानी जाती हैं, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं और जो क्लोरोफिल है वो बॉडी से टॉक्सिन को निकालने में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। उसी के साथ साथ जो क्रूसीफेरस फैमिली की सब्जियां होती हैं, जैसे गोभी होगी, ब्रोकली होगी, ब्रोसेलस हो गई, ये भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं और लीवर के फंक्शन को ये इंप्रूव करते हैं। साथ ही साथ स्प्राउट्स जो है वो भी बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं लीवर के फंक्शन को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिच होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ और इनके अंदर जो सल्फर कंटेंट्स होता है वो टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है, लीवर को जो है वो डिटॉक्सिफाई करता है और साथ ही साथ आपके बॉडी के दूसरे फंक्शंस को भी डिटॉक्सिफाई करता है। अगर हम बात करते हैं फलों के बारे में, तो जितने भी बेरीज होते हैं, चाहे वो ब्लैकबेरी हो, चाहे वो रसबेरी हो, चाहे वो ब्लूबेरी हो, वो सब लीवर प्रोटेक्टर्स का काम करते हैं। अभी बेरीज जो है वो देखिए स्वादिष्ट तो होती ही होती हैं, डिलीशियस होती हैं खाने में, मगर इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की भरमार होती है जो आपके शरीर से टॉक्सिन्स को निकालने में मदद करती हैं और आपका लीवर जो है वो प्रोटेक्ट रहता है। दूसरी कैटेगरी के जो फल आते हैं, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, जितने भी खट्टे फल होते हैं, चाहे वो संतरा हो, चाहे वो आपके लेमन्स हो, इवन चाहे अंगूर हो, अनार हो, जिन फलों में आंवला हो, जिन फलों के अंदर विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है वो लीवर के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। जो खट्टापन होता है इन फलों का वो लीवर का जो बाइल है उसके प्योरिटी को बढ़ा देते हैं और आप देखते हैं कि आपको जॉन्डिस और इन सब बीमारियों को होने का खतरा भी कम हो जाता है। ये ओवरऑल लीवर के फंक्शन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं, बिल्कुल बैलेंस बना के रखते हैं। और साथ ही साथ तीसरी चीज़ जो दोस्तों इन दिनों में सर्दी के मौसम में तो बहुत कुछ ज़्यादा मिलता है, अगर आपको ताज़ा गन्ने का रस मिलता है, अगर आप डायबिटिक नहीं है तो ताज़ा गन्ने का रस आपके लीवर को बहुत ज़्यादा बिल्कुल क्लीन कर देता है, डिटॉक्सिफाई कर देता है। इसके अंदर जो गन्ने के रस के अंदर जो बहुत सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो एक तरह से आप देखेंगे कि लीवर की गंदगी को झाड़ू लगा के बाहर निकाल देता है। और आपने देखा होगा कि जॉन्डिस के पेशेंट्स को इसलिए गन्ने का रस एडवाइस किया जाता है। तो चलिए, ये तो कुछ खाने पीने की चीज़ें थी, अब बात कर लेते हैं थोड़ा हम उस होम रेमेडी के बारे में जो आपके लीवर को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ लीवर को फेल होने से भी बचा के रखती है। तो देखिए, आपने हल्दी का नाम सुना होगा, हल्दी में बहुत सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, वो एंटीसेप्टिक भी होता है, उसके अंदर एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं, वो डाइजेस्टिव भी होता है, वो ब्लड प्योरीफायर भी होता है, उसके बहुत सारे फंक्शंस हैं और लीवर को भी वो
प्रोटेक्ट करता है। तो सिंपली आप एक गिलास गुनगुने दूध में, थोड़ा गर्म दूध में एक चम्मच हल्दी पाउडर मिला के कोशिश करें कि हल्दी अगर आपको प्योर मिल जाए तो रोज़ाना आप इसको सुबह इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे जैसे ही आप इसको महीना डेढ़ महीना इस्तेमाल करेंगे आपकी लीवर का फंक्शन तो ठीक हो ही जाएगा, बाकी आपकी बॉडी के दूसरे फंक्शन भी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं हल्दी की, इन सबके साथ साथ ये एंटी इन्फ्लामेटरी भी होती है, यानी कि शरीर के अंदर जो सूजन होती है या जोड़ों के अंदर जो सूजन होती है, इन्फ्लामेशन होता है, उसको भी ये कम कर देती है, आपका डाइजेशन ठीक हो जाता है, ब्लड प्योरीफाई हो जाता है, तो इस तरीके से आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। और साथ ही साथ अगर आपका लीवर फंक्शन डीरेंज है, इवन आपको अगर जॉन्डिस भी है और अगर आप एल्कोहलिक भी हैं, तो ये दो मैं आपको दवाइयों के नाम बता रहा हूँ, ये यूनानी दवाइयाँ होती हैं, प्योर हर्बल दवाइयाँ होती हैं, लेकिन इनके लाजवाब रिजल्ट आते हैं। सुबह में आप ये हल्दी पाउडर इस्तेमाल कर लीजिए दूध के साथ, और दोपहर को और शाम को 20-20 ml इन दोनों दवाइयों का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका लीवर बिल्कुल क्लीन हो जाएगा और आपकी बॉडी को वो बहुत बेनिफिट्स देगा। इन दवाइयों के नाम होते हैं, एक होता है अर्क मको, मको ये एक दवाई पौधा होता है, उससे अर्क निकाला जाता है, और दूसरा होता है अर्क कासनी। कासनी भी हरे रंग की तालाबों के किनारे ऐसे पौधे उगते अगर आपने देखे होंगे, उसका अर्क निकाला जाता है। इन दोनों दवाइयों का 20-20 ml दोपहर खाने से एक घंटा पहले और रात को खाने से एक घंटा पहले अगर लगातार इस्तेमाल करते हैं और सुबह में आप हल्दी दूध इस्तेमाल करते हैं तो आपका लीवर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये आजमाए हुए नुस्खे हैं, एक बार इसको आप इस्तेमाल करें, उसके बाद आप मुझे कमेंट करके बताएं कि इससे आपको कितने बेनिफिट्स मिले। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक ज़रूर कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबा लें, सो दैट इस तरह के हेल्थ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको मिलते रहें। और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद।